हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। आज हम फरवरी 2020 में आने वाली 10 तारीख के अंदर आने वाली कुछ व्रत के बारे में बात करेंगे। अभी फरवरी 5 तारीख को आने वाली व्रत, 5 तारीख को जया एकादशी आ रहे हैं। मैंने कल उसका बता दिया विधि विधान वगैरह। उसके बाद 9 फरवरी को आ रहे हैं माघ पूर्णिमा व्रत। तो माघ पूर्णिमा के बारे में मैं आज बताएंगे अभी, और उसके बाद आ रहे हैं अभी 7 फरवरी को प्रदोष व्रत, और उसका भी तारीख और शुभ मुहूर्त मैं अभी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। जया एकादशी के बारे में मैंने कल बताए थे, तो आज माघ पूर्णिमा के बारे में देखते हैं। तो हम पूर्णिमा के व्रत के बारे में सबसे पहले बताएंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है, और माघ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि जिसे माघ पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि 27 नक्षत्रों में मखा नक्षत्र के नाम से ही माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह तिथि विशेष खास होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिस कारण इस शुभ दिन गंगा स्नान, दान और जप करना बेहद पुण्य फलदायी होता है। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2020 माघ पूर्णिमा व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य के बारे में बताएंगे। साल 2020 में माघ पूर्णिमा का व्रत 9 फरवरी रविवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 फरवरी शनिवार सायंकाल 4:01 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार सायंकाल 1:02 पर। माघ पूर्णिमा पर व्रत, स्नान, जप, हवन, दान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। माघ पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने की पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। अंत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। आज के दिन विशेष रूप से दान में काले तिल दान करना शुभ माना जाते हैं। शास्त्रों में माघ का महीना बेहद खास माना जाता है। इस महीने में आने वाली माघी पूर्णिमा का धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। ज्योतिष अनुसार जब चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में और सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में होते हैं, तब माघ पूर्णिमा का शुभ योग बनता है। इस योग के चलते सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से आमने सामने आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस योग में स्नान, जप आदि करने से सूर्य और चंद्रमा के कारण होने वाले कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन तारों की छाव में किए गए स्नान के बेहद अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। माघ पूर्णिमा का दिन माघ महीने का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे पवित्र महीना होता है। शास्त्रों के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन ललिता जयंती भी होती है, इसलिए इस दिन माता ललिता की पूजा कर उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। माघ पूर्णिमा के बारे में जानकारी आपको पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। अभी हम प्रदोष व्रत के बारे में बताएंगे जो आ रहे हैं 7 फरवरी 2020 को। कब कैसे करें संपूर्ण उद्यापन विधि सब मैं अभी बता देती हूँ। 7 फरवरी 2020 प्रदोष व्रत आ रहे हैं।
प्रदोष व्रत, जिसे त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत व पर्व माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार मान्यता है कि इस व्रत को करने से बेहतर स्वस्थ और लंबी आयु का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, सूर्यास्त के बाद और रात के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाते हैं, जो भगवान शिव की आराधना और इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार चंद्र को क्षय रोग होने के कारण बहुत कष्ट हो रहा था और जिस दिन भगवान शिव ने उनके इस दोष का निवारण किया, जो त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए यह दिन प्रदोष कहा जाने लगा। साल 2020 में फरवरी माह की 7 तारीख शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की पूजा और मंत्र शाम के समय करना शुभ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद निराहार व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव की बेलपत्र, अक्षय दीप, धूप, गंगा जल आदि पूजन सामग्री से भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास के बाद सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले फिर से स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर ले और मंडप तैयार करें। अब पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल का अर्घ दे। इसके बाद भगवान शिव को चावल की खीर का भोग लगाए और अंत में व्रत कथा पढ़े व सुने। प्रदोष व्रत का दिन के अनुसार अलग अलग महत्व होता है। यदि यह व्रत रविवार को हो तो उपासक को आयु में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। सोमवार का प्रदोष व्रत मनोकामनाएं पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि इस व्रत मंगलवार को हो तो रोगों से मुक्ति दिलाता है। बुधवार हो तो कामना सिद्ध करता है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। वही यदि यह व्रत शनिवार को पड़े तो संतान प्राप्ति का वरदान व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग शुक्र प्रदोष का व्रत करते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत में कुछ सावधानियां को बरतना जरूरी माना गया है। जैसे इस दिन यदि कोई महिला आपके घर पर आए तो उनका मुंह अवश्य मीठा करें और उन्हें जल दें। इस दिन घर और घर के मंदिर की साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। प्रदोष व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा के समय लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखते हैं तो उन्हें व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि के दिन ही करें। प्रदोष व्रत के उद्यापन से पहले श्री गणेश जी की पूजा करें। अगले दिन त्रयोदशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप और हवन करें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करें। फरवरी 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर आने वाली व्रत के बारे में बताया आज मैंने। तो सबसे पहले 5 तारीख को आ रहे हैं, वो है जया एकादशी, वो मैंने बता चुकी है। और 7 फरवरी को आ रहे हैं प्रदोष व्रत, उसके बारे में भी मैंने अभी आपको बता दिया। और उसके बाद आ रहे 9 फरवरी को, वो माघ पूर्णिमा व्रत है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ और ज़रूर आप देख लीजिए। और पीछे मेरी वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने व्रत कथा भी डाले हैं।
तो कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट्स पर ज़रूर डाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ या कुछ कथा के साथ। तो सभी को आज के लिए राधे राधे।